इजराइल और ईरान की तनातनी पर दुनिया के देशों की नजर है। इस संघर्ष का कितना खौफनाक नतीजा सामने आएगा, दुनिया के अधिकांश देशों के नागरिक इस बात को लेकर अब चिंतित हो चले हैं। बीते शुक्रवार की सुबह दुनिया को ये खबर मिली कि इजराइल ने ईरान के इस्फान इलाके में मिसाइल हमला कर दिया। वहां ईरान की परमाणु सुविधाएं हैं। हमले में कितना नुकसान हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पश्चिम एशिया में 7 अक्टूबर 2023 से हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। हमास के हमले ने इसराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया था। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली नागरिक और सैनिक मारे गए और 200 से ज्यादा बंधक बना लिए गए। इसराइल ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों के सबसे बड़े नुकसान के तौर पर देखा। ये 2008 से चले आ रहे इसराइल हमास के झगड़ों से कई ज्यादा गंभीर था। इसराइल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई की, जिससे 6 महीने से ज्यादा चली लड़ाई में 30,000 से भी ज्यादा लोग मौत के आगोश में समा गए। गाजा में 10,00,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बेघर हो गए। अमेरिका भले ही पूर्वी भूमध्य सागर में 2 युद्ध पोतों के समूह तैनात कर चुका है, लेकिन हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं। हुती विद्रोहियों ने लाल सागर के रास्ते जहाजों पर हमला किया और शिपिंग को बाधित किया है। वहीं हिजबुल्ला ने रॉकेट और ड्रोन दागे हैं, जिससे उत्तरी इसराइल के करीब 70,000 लोग बेघर हो गए। इसराइल ने भी दक्षिणी लेबनान की सीमा से लगे इलाकों में हिजबुल्ला खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की और उसे लगातार तेज कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के कई अन्य देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया है और हुती ठिकानों पर हमले किए। इसराइल का मानना है कि ईरान हमास, हिजबुल्ला और हाउती को मदद कर रहा है। इसी सिलसिले में इसराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई कमांडरों पर हमला कर उन्हें मार दिया। ईरान ने इसे अपने संप्रभु क्षेत्र पर हमला माना। इससे पहले इसराइल सीरिया और लेबनान के रास्ते हिजबुल्ला को भेजे जाने वाले सामानों पर हमला करता रहा, लेकिन यह हमला उससे कई ज्यादा गंभीर था। जवाब में ईरान ने 300 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया। 1973 के योम किप्पुरु युद्ध के बाद ये किसी देश की ओर से सीधे तौर पर इसराइल पर किया गया पहला हमला था। 1948, 1967 और 1973 में अरब देशों के गठबंधन को इसराइल ने हरा दिया था, जिसके बाद 1979 में मिस्र और 1994 में जॉर्डन के साथ शांति समझौते हुए। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड के तहत इसराइल के यूएई, बहरीन, कतर और मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए। जवाब में इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर सीमित हवाई हमला किया, जो ये दिखाता है कि वो ईरान की हवाई सुरक्षा को भेज सकता है। जब तक इसराइल हमास लड़ाई कम होने की राह पर नहीं चलती, तब तक परेशानी बनी रहेगी, चाहे हालात और भी ज्यादा बिगड़े या नहीं। फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अमेरिका, मिस्र और कतर के बीच बचाव की कोशिशों के बावजूद 6 हफ्ते के युद्ध विराम की बातचीत हफ्तों से रुकी हुई है। इसराइल का लक्ष्य गाजा से हमास को खत्म करना है, लेकिन 6 महीनों की कोशिश के बाद भी हजारों हमास लड़ाके अभी भी सक्रिय बताए जा रहे हैं, खासकर दक्षिण गाजा के रफा इलाके में, जो अभी इसराइल की पहुंच से बाहर है। इससे बड़े पैमाने पर आम लोगों की मौतों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका के अनुभव और 1982 से 2000 के बीच दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के साथ इसराइल के खुद के कब्जे के अनुभव को देखते हुए हमास को पूरी तरह खत्म करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।